विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के घावों को भरते हुए कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से जुट गई है। एक तरफ जीतू पटवारी और कमलनाथ, दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह टिकट बंटवारे को लेकर टिकट के दावेदारों की समीक्षा कर रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच जब दिग्विजय सिंह से पूछा गया कि क्या गुना और ग्वालियर से आप किसे उतारेंगे, तो उन्होंने कहा कि सिंधिया जी के खिलाफ उम्मीदवारों की कमी नहीं है। बात सुन लीजिए, सिंधिया जी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों की कमी नहीं है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं राज्यसभा का अभी सदस्य हूँ और 2.5 साल मेरे पास और हैं, इसलिए अभी मेरा कोई इरादा लोकसभा चुनाव लड़ने का नहीं है। ये केवल मीडिया में आ रहा है, उनका कोई बयान नहीं है। उन्होंने तो कल हमारे राहुल गांधी यात्रा का पूरा जो की मीटिंग जो हुई थी उसमें पूरा भाग लिया है और पूरी सहयोग कर रहे हैं। नकुलनाथ छिंदवाड़ा में चुनाव लड़ेंगे क्या? कौन नकुलनाथ? अभी तक तो सिटिंग MP वही है। नहीं, आगे की बात कर, आगे की बात तो पार्टी तय करती है, लेकिन संभवतः लड़ेंगे। बता दें कि सियासी हलकों में चर्चाओं का बाजार गर्म है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। इसकी इच्छा खुद सिंधिया जता चुके हैं। फिलहाल देखना होगा, अगर सिंधिया को गुना से बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा तो कांग्रेस किस युवा चेहरे को सामने उतारती है। ग्वालियर से हेमंत शर्मा की रिपोर्ट MP तक।